जाली फंसाया। ये हो गया ह्यूमरस, ठीक है, और फीमर, सॉरी ये फीमर है, और ये हो गया टीबियो फिबुला, ठीक है। टीबियो फिबुला यहाँ पे रेडियो अल्ना होती है, तो ये टीबियो फिबुला है, ये पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर है, ये डिस्टल एंड पे, ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड पे कंप्लीट फ्रैक्चर है, ये कंप्लीट फ्रैक्चर है, ठीक। ये दिखाओ पूरा, ये पूरा लिंज, ये ठीक। हाँ दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमने जो है निमोसिलाइट का जेल लगा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जो सूजन है वो ना होने पाए। उसके बाद हम यहाँ पे प्लास्टर करेंगे तो इससे सूजन नहीं होगी और ये बराबर ठीक रहेगा। और प्लास्टर वाले इसमें प्लास्टर हमने किया है, नहीं आएगी ना। अब हम यहाँ पे जिप्सोना जो है 6 इंच का प्लास्टर जो है इस पे हम लगाएंगे, और यहाँ पे हम कॉटन का बैंडेज जो है फ्रैक्चर साइड से एबव ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम जो है कॉटन को लपेट रहे हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। जब कॉटन लपेटने के बाद फिर हम इस पे बैंडेज को लपेटेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे प्लास्टर को करेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी फ्रैक्चर साइट है वो जो है दोनों इंड स्थिर हो जाते हैं, जिसको कि हम इमोबिलाइज कहते हैं, इमोबिलाइज हो जाता है, और जो है बोन जैसे ही ग्रोथ करती है वो आपस में जुड़ जाते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और प्लास्टर को हम जो है मिनिमम 21 दिन तो रखते ही रखते हैं, उसके बाद हम स्थिति के अनुसार उसको जो है एग्जामिन करने के बाद हम उसको काट के निकाल देते हैं और बकरी चलने लगती है, कहीं कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं अभी हम बैंडेज ही लपेट रहे हैं, और जब बैंडेज लपेट लेंगे फिर उसके बाद हम जो जिप्सोना 6 इंच का है उससे प्लास्टर करते हैं। और यहाँ पर हमने जो है निमोसिलाइट, पैरासीटामॉल, सीरेटोपेप्टाइडेज को रिकमेंड किए हैं, और यहाँ पे हमने कैल्शियम का सिरप जो है चलाएंगे, क्योंकि बोन में फ्रैक्चर है तो कैल्शियम का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हमने जो है बकरी में जो है 5 ml सुबह, 5 ml शाम, क्योंकि बकरी छोटी है तो ये चलाएंगे। फिर उसके बाद जो है पेन किलर, जैसा कि निमोसिलाइट पैरासीटामॉल हमने बताया है, फिर इंजेक्शन जो है सीधे यहाँ पे हमने मुड़ जा रहा है ना जहाँ से टूटा है, इंजेक्शन टैक्सिम 500 mg इंट्रामस्कुलर हम इसमें 5 दिन तक लगाएंगे। तो ये जो है ये सब हमने किया, प्लास्टर कंप्लीट हो गया है जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, और अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सेटिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।